गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और मैं आपके सामने डीके चौधरी, और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटी बाय डीके चौधरी में स्वागत है। तो बेटा, आज का जो क्लास है वो क्लास नंबर 4 है, और ये जीएस विद डीके चौधरी सीरीज है। और इस सीरीज का बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप लोग फ़ायदा उठाइए। ओके, खैर अब क्लास को हम सीधा सीधा शुरू कर देते हैं, राइट। तो देखिए, इस क्लास को हम जो है सीधे सीधे स्टार्ट कर देते हैं। मेरी आवाज़ तो बेटा आ रही है ना आप लोगों तक? आप मुझे पहले ये बताइए, मेरी आवाज़ क्लियर है? तो जो भी बच्चे लाइव हैं इस टाइम, नीलम सिंह कह रही है नमस्ते सर, नमस्ते बेटा। और मेरी आवाज़, मेरा साउंड क्लियर है? यस सर, ओके। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है जो भी आने वाली परीक्षाएं दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम इसमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि ताकि सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें आ जाएं। इसमें पॉलिटी के 5 क्वेश्चन हैं, फिर साइंस के 10 क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद जीके के 10 क्वेश्चन हैं, देन फिर हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, इको के 5 क्वेश्चन और ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन हैं। ऐसे मिला के टोटल जो क्वेश्चन की संख्या है वो आपकी जो है वो 40 है। क्लास को बेटा एक बार थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एक बार मैं इसको शेयर कर देता हूँ, और रुकिए एक मिनट। ये आप सामने देख रहे होंगे डीके लाइव क्लासेस ऐप है, यहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगी, तो अपना पीडीएफ का भी आप फायदा उठाइए। तो यहां से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, देखिए डीके लाइव क्लासेस जो ऐप है, यहां से आपको क्या फायदा होगा? इस ऐप को जो है आप कहां से डाउनलोड जो है इसको डाउनलोड जो है प्ले स्टोर से कर सकते हो। ये जो सारी पीडीएफ है, जो हमारी जीएस विद डीके चौधरी जो सीरीज है, ये जो सीरीज है इसका जो पीडीएफ है वो आपको जो है डीके लाइव क्लासेस ऐप पर मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, और इम्पोर्टेंट जीके जीएस ऑनलाइन जो फैक्ट है उसका पीडीएफ भी आपको यहां पर ऐप पर मिलेगा। फ्री डाउनलोड, आप यहां पर फ्री डाउनलोड कर सकते हो। ओके, खैर आप सीधे सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अब सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं पॉलिटी के। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चन की बात करें तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो वो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 33 है या आर्टिकल 19 है? तो इसका आंसर बताइए क्या बनेगा। थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ेंगे बेटा, इसका आंसर क्या बनेगा ये जल्दी से आप बताइए। इसका आंसर क्या बनेगा? 33, वेरी गुड, यही आंसर बनेगा 33। इसका आंसर क्यों बनेगा? देखो, हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की, जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 12 है और आर्टिकल जो 13 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, और ये 6 फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से कहाँ तक हैं? आर्टिकल 14 से अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर ये 32 तक हमारे जो है ये फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट है। लेकिन फंडामेंटल राइट के अपवाद भी हैं। अगर हम अपवाद की बात करें, एक्सेप्शन की बात करें, तो जैसे आर्टिकल आपका 31 हो गया, आपका आर्टिकल 33 हो गया और आपका आर्टिकल 34 हो गया, तो ये एक्सेप्शन क्यों माने जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल राइट को सीमित कर दिया जाता है। हालांकि 31 में भूमि सुधार की बात की गई है, भूमि के कानूनों की बात की गई है, 33 आपका यही है कि जो हमारे डिफेंस फोर्सेस होते हैं, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, या इसके अलावा पुलिस फोर्स हो, रॉ हो, आईबी हो, तो यहाँ पर संसद के पास ये अधिकार है कि इनके लिए संसद कानून बनाकर कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। तो इस आधार पर, इन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आर्टिकल 34 भी आप अच्छी तरह जानते हो कि इसमें
किसकी बात की गई है, सेना विधि की बात की गई है कि अगर कहीं पर नागरिक शासन सही ढंग से काम नहीं कर पाता है तो वहां सेना विधि लगाई जा सकती है। और यहाँ पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और जैसे कि संसद ने कानून यहाँ पर आफिस्पा जैसा कानून इसके लिए बनाया भी गया है। आर्टिकल 35 आप अच्छी तरह जानते हो कि वो क्या है। वो ये कहता है कि भाई मौलिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 35 के तहत ही मौलिक अधिकारों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ओके, खैर ये बातें आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ गई होंगी। इसके बाद अगर देखिए, उत्तर तो सी है इसका, और अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों को, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों को, खुफिया एजेंसियों को तथा अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रबंधन लगा सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, या विधि के नियम का उल्लंघन है, या विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन है? तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये आपको बताना है। क्या इसका आंसर बनेगा, थोड़ा तेजी के साथ आप बेटा बताइए इसका आंसर अब क्या बनेगा। तो क्या आंसर लगाएंगे? आर्टिकल क्या है, 2 का बी। वेरी गुड, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, ये अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो बाध्य करना क्या माना जाता है, नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। अच्छा ठीक है ठीक है, वॉयलेशन ऑफ द राइट टू पर्सनल लिबर्टी और वॉयलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, विधि के नियम का वॉयलेशन ऑफ रूल ऑफ और वॉयलेशन ऑफ राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो वैसे तो आंसर अगर देखा जाए तो यही इसका आंसर बनना चाहिए। यहां पर मैं एक बात और बता दूं कि नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना अभियुक्त को, तो होता क्या है कि आर्टिकल 20 का जो सेकंड पॉइंट है, आर्टिकल 20 का जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर ये इसका आंसर जो बनेगा वो बी ही इसका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, और देन यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 20 के थर्ड के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संसद के राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर, राज्य का कोई विषय किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति हो, देश के दो या दो से अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करे, या राष्ट्रपति इस आशय का संदेश जो है संसद को भेजे, या ए और बी दोनों हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। बेटा क्लास को जो है एक तो लाइक कर दो, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, एक मिनट रुको बस। क्या आंसर बनेगा बेटा, इसका आंसर क्या बनेगा, ए और बी आंसर बनेगा। तो ये आंसर बिल्कुल आपने सही दिया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपने देखा होगा कि एक आर्टिकल 249 है, आपका आर्टिकल 350 है, फिर आपका 252 है, फिर आपका 253 है, और फिर एक आर्टिकल 356 भी आता है। तो ये पांच आर्टिकल ऐसे हैं जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देते हैं। अब बात आती है कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो 300, तो भाई 250 में तो ये बात भूली गई है कि
कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में हो, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हो, तो देन तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देश के दो या दो से अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करें, तो ऐसा 252 में लिखा है, तो ये भी सही है, तो ये अपने आप में गलत है, तो आंसर तो इसका डी बनेगा। लेकिन 249 क्या कहता है कि अगर लोक हित में कोई राज्य सूची के विषय पर कानून बनना जरूरी है, तो राज्यसभा के रिकमेंडेशन पर संसद बना सकती है। और 253 ये कहता है कि अगर मामला अंतर्राष्ट्रीय जो है समझौते या संधि का हो, तो तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और 356 ये कहता है कि राष्ट्रपति शासन अगर लगा हो, तो देन राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो इसका आंसर तो डी बनेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि भारतीय संसद संविधान के अनुच्छेद 250 के अधीन समूचे भारत या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची में शामिल किसी मत के लिए विधियां बना सकती है, और यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपात स्थिति लागू हो, तो साथ ही अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत द्वारा राष्ट्रहित में ऐसा आवश्यक बताए जाने पर, तो अनुच्छेद 252 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के संदर्भ तथा अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन के क्रम में संसद द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? वो तीसरी अनुसूची है, चौथी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची है, या छठी अनुसूची है? तो यानी कि जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की एलोगेशन ऑफ सीट्स की बात करता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ये चौथी अनुसूची इसका आंसर होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। यहां पर ध्यान रखा रखना कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, वो आपको अच्छी तरह पता है कि भाई वो चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। किस में दिया गया है? चौथी अनुसूची में। वेरी गुड। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि चलो सर, ये तो हमें पता है कि राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो चौथी अनुसूची में है, जिसमें अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटें बताई गई हैं। लेकिन अगर बात आती है कि सर लोकसभा की सीटों का आवंटन, विधानसभा की सीटों का आवंटन और विधान परिषद की सीटों का आवंटन, अगर इनकी सीटों का आवंटन पूछे तो ये कहाँ पर है, तो हमारे संविधान में तो कहीं दिया नहीं है। तो एलोगेशन ऑफ सीट्स जो दिया है वो आपका आरपीए कानून 1951 में दिया है। तो एक आरपीए कानून है जिसको रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट कहते हैं, 1951, तो वहां पर दिया गया है। ओके, अगला, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है, तीसरी अनुसूची में शपथ, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध, और छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। वेरी गुड। और किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? वो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है या विधान परिषद है? क्या आंसर इसका बनेगा? क्या आंसर इसका बनेगा, ये आपको बताना है, क्या आंसर बनेगा इसका? देखो, एक बात तो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, मुझे कभी कभी ये लगता है, मैं अगर आप लोगों से एक बात मैंने बोलूं कि देखिए, आप लोगों के लिए जो मैं क्लास लेके आया हूं वो इसलिए लेके आया हूं ताकि आप लोगों को इसका फायदा मिल सके। और मुझे लगता है कि जैसे कभी कभी देखो दो तरह की बातें आती है, अगर आप लोगों को कोई फ्री में कोई चीज दे तो बहुत से बच्चों को वो रास नहीं आती, उन्हें लगता है कि सस्ता है और यानी कि फ्री में है तो बेकार होगा। मतलब बच्चों की मैं मानसिकता बता रहा हूं। अगर आप लोगों के लिए अगर किसी चीज को अगर हम पैसे में दें तो बच्चा फिर ये कहना शुरू कर देता है कि सर आप तो लूट रहे हो। मतलब कहने का मतलब है कि हर जगह जो टीचर है वही बदनाम है, बच्चा बिल्कुल बदनाम नहीं है। ठीक है, मानसिकता अगर खराब है तो वो टीचर की खराब है, बच्चे की मानसिकता खराब नहीं है। मैं कम से कम डेली जो है 3 से 4 क्लासें आप लोगों को फ्री रखता हूं, और कुछ मेरी आपने देखा होगा पेड क्लासेस भी होती है, लेकिन फिर भी बच्चा जो है कई बार तो ये कह देता है कि सर आप तो पैसे के लिए पढ़ाते हो। भाई यहां पर जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं ये पैसे के लिए करवा रहा हूं क्या? मेरे YouTube चैनल पर तो कोई एड वगैरह भी नहीं लगता कि हाँ जी आपके YouTube चैनल से मैं पैसा कमा रहा हूं।
ठीक है। तो मेरा कहने का या बताने का मतलब मेरा बेटा ये है कि अगर आप लोगों को अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है ना, तो इसको ये मत समझो कि भाई फ्री में मिल रही है तो वो बेकार होगी। यहाँ हम फ्री में जब क्लास देते हैं तो पूरी मेहनत लगाते हैं, और देन हमारी जो पेड क्लासे होती हैं उससे कोई कमजोर नहीं होती हैं क्लासे। तो इनका बेटा महत्व समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अन्यथा जब एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, तो तभी जो है फूट फूट कर रोगे आप इस चीज को लेकर के हमने गुरुजी की बात क्यों नहीं मानी थी। आज यूट्यूब चैनल पर बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है। तो ये उन बच्चों के लिए जो बचकानी हरकत होती है ना, कि टीचर की, भाई टीचर की अपनी फैमिली भी होती है, उसका परिवार भी होता है, उसे दो रोटी खाने के लिए कुछ कमाना भी पड़ता है। मैं नहीं जानता हर टीचर के विषय में, लेकिन अपने विषय में जानता हूँ। मैं आपको फ्री भी क्लास देता हूँ और पेड भी देता हूँ। दोनों का संतुलन बनाने का प्रयास इसलिए करता हूँ कि जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं है, तो कम से कम वो उन्हें संसाधन के अभाव में ये ना देखना पड़े कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जिन बच्चों के पास अगर पैसा है, ठीक है, और वो पैसे में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वो सुविधा है, ठीक है। ये बात मैं इसलिए बेटा आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी थोड़ी सी मेंटलिटी को चेंज करिए, ठीक है। ये नहीं कि जो मुंह में आया आपने बस कहना शुरू कर दिया। आप टीचर के थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी देखा करो कि टीचर आप लोगों की कौन कौन सी सेवाएं आप लोगों को दे रहा है। अब यहाँ बात मैंने क्यों बोली, किसी बच्चे ने मेरे कमेंट नहीं किया, मैंने इसलिए बोली कि यार तुम्हें एक फ्री में चीज प्रोवाइड कराई जा रही है, और बच्चों की संख्या देखो यहाँ पर कितनी है, कितने बच्चे लाइव हैं यहाँ पर। और यही चीज मैं अगर पेड कर दूं तो यहां पर बच्चों की संख्या कम से कम 10 गुना हो जाएगी तुरंत। तो थोड़ा सा भैया जो फ्री में मिलता है, तो फ्री का मतलब ये नहीं होता कि भाई वो बेकार है, या फ्री का मतलब ये होता है कि हम फ्री में भी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। इस पर भी थोड़ा फोकस करिए, और देन ताकि एग्जामिनेशन को अच्छे से दे सके आप अपना सिलेक्शन लीजिए। बेटा यूपीएससी के लिए ही मेरा स्पेशल बैच यूपीएससी के लिए ही चलता है वो, ठीक है। अब किस सदन का जो अध्यक्ष है उस सदन का सदस्य नहीं होता। बड़ा आसान क्वेश्चन है, फिर से इसका आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर लगा रहे हो? ऐसा कौन सा हाउस है जिसका अपना, ऐसा कौन सा हाउस है जिसका अपना जो है वो अध्यक्ष तो होता है, लेकिन इस हाउस का वो मेंबर नहीं होता है? तो क्या आंसर लगाओगे बेटा, यहां पर क्या आंसर लगा रहे हो? बी आंसर, वेरी गुड। क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का क्या है, वो यानी कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, और वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो बी ही इसका आंसर आ जाएगा। तो राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89(1) में किया गया है। किसमें किया गया है? 89(1) में किया गया है, क्योंकि जो सभापति उपसभापति जो दिया है वो 89 में दिया हुआ है। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? जैसे कोई सिग्नल है तो वो स्पेक्ट्रोमापी के द्वारा किया जाता है, कैथोड किरण दोलनदर्शी के द्वारा किया जाता है, या पीएन जंक्शन डायोड के द्वारा, या स्वरमापी या सोनोमीटर के द्वारा। तो कोई भी सिग्नल के तरंग का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, ये बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऑसिलोस्कोप के द्वारा होगा। किसके? अब अधिकतर बच्चों ने गलत आंसर बताया, कैथोड किरण दोलनदर्शी ऑसिलोस्कोप के द्वारा होता है। पूछिए, देखिए देखिए, दोलनदर्शी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो किसी विभांतर को समय के सापेक्ष अथवा किसी विभांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। तो विभिन्न संकेतों को देखने से परिपथ के काम करने के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, और पता चलता है कि कौन सा अवयव खराब है। कैथोड किरण वाले दौल नदी में, यानी कि दौल नदी में एक निर्वात नलिका होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गन और एक प्रदीप पटल होता है, और ये नलिका पट इलेक्ट्रॉनिक किरण को डालकर प्रकाश उत्सर्जित कर छवि निर्माण करने का प्रकोप प्रयोग में आता है, और ये छवि किसी विद्युत संकेत या तरंग रूप अथवा ऑसिलोस्कोप छवि दूरदर्शन या तेजोनिष्क्रिय लक्ष्य दिखाने के लिए होती है। ओके, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? वो अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं,
उनकी टांगे कमजोर होती हैं और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। ये रोशनी की कौंद उत्पन्न करते हैं, ये पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर, वेरी गुड। तो ये पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। तो होता क्या है कि जब ये पराश्रव्य ध्वनि तरंग, तो ये जब किसी दीवार के सामने आते हैं, तो देन कहने का मतलब है कि इनको जो है फीडबैक मिल जाता है कि आगे दीवार है। तो चमगादड़ निम्न से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो अंधेरे में उड़ने का कारण यही होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तर दिया आएगा वो यांत्रिक तरंग जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज के बिटवीन होती है, तो उसको श्रव्य तरंगे कहते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं। तो इनकी तरंग दैर्ध्य 16.6 मीटर से 1.6 सेंटीमीटर होती है और हमारे काम इन्हीं तरंगों के लिए सुग्राही होते हैं। वो यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम अथवा तरंग दैर्ध्य इसने मीटर से अधिक होती है, तो अब श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। और इसके अलावा जो भी हैं वो पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, जो कि यहाँ पर है, जो कि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उनको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो इनके चमगादड़ के अंदर पराश्रव्य तरंगों का जो है ये गुण होता है, जिसकी वजह से ये जो है इनको टक्कर नहीं लग पाती है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु एलॉय है, तो कॉपर है, सिल्वर है, निकेल का है, या कॉपर जिंक या निकेल, या कॉपर जिंक या एल्यूमिनियम, या कॉपर निकेल या एल्यूमिनियम। इसका आंसर क्या बनेगा? थोड़ा तेजी के साथ इसको बताइए, इसका आंसर हम क्या बनाएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा कि कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो जर्मन सिल्वर होता है किसका मिश्र धातु होता है, कॉपर का, जिंक का, किसका होगा? ये बी का आंसर, वेरी गुड। तो ये कॉपर, जिंक और निकेल का होता है, तो आंसर क्या बनेगा? बी। तो आंसर क्या होगा? जर्मन सिल्वर में सामान्यतः निम्न धातु होती है, ताबा है, जस्ता है और निकेल है। इसके अलावा अगर हम देखें धातुओं का पराशुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है, लीचिंग, जॉन मेल्टिंग, स्लैचिंग या स्मेल्टिंग। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या बनेगा इसका आंसर। तो आप लोग क्या बनाओगे? तो धातुओं का जो पराशुद्धिकरण होता है किसके द्वारा होता है? बी के द्वारा, वेरी गुड। इसको जॉन मेल्टिंग कहते हैं। कैसे कहते हैं जॉन मेल्टिंग? धातुओं का पराशुद्धिकरण जॉन मेल्टिंग के द्वारा किया जाता है। इस शोधन तकनीक में किसी पिंड के संकीर्ण क्षेत्र को पिघलाकर इसकी अशुद्धि दूर की जाती है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः अर्धचालकों के उद्योगों में जर्मेनियम और सिलिकॉन के शोधन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में शुद्धता स्तर इतने परसेंट होता है, और ट्रांजिस्टर उद्योग में सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांच क्या होता है? अति तप्त ठोस होता है, अति शीतित द्रव होता है, अति शीतित गैस होता है, या अति तप्त द्रव होता है? तो इसका आंसर क्या लगाओगे बेटा, इसका आंसर क्या लगाओगे, इसका आंसर क्या होगा? ये कांच क्या होता है? अति तप ठोस, अति शीतित द्रव। तो ये कांच अति शीतित द्रव होता है, एक तरीके से बी आंसर होगा। इसका आंसर क्या है? कांच एक अकृष्टीय ठोस पदार्थ है। कांच बनाने के लिए उपयोग के अनुसार कई प्रकार के कच्चे माल विभिन्न मात्राओं में मिलाकर ऊंचे ताप पर द्रवित किए जाते हैं, और कांच को अति शीतित द्रव भी कहा जाता है। खैर पढ़ लेना, इसको हम बता दिया है। बेरीबेरी की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B1 या विटामिन B12 किसकी कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप जानते हो बेरी बेरी किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से होता है, तो इसका सी आंसर बनेगा। तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, जैसे यहाँ पर चार मैचिंग के लिए दे दिए पॉइंट, तो आपको बताना है कि इनका सही आंसर क्या बनेगा, क्या मैचिंग होगा। एस्कॉर्बिक एसिड किससे संबंधित है? अच्छा, क्लोरोफिल का संबंध किससे है? फिर कैरिनाइट क्या है और सुपर ऑक्साइड क्या होता है? तो इसका आंसर क्या लगाओगे और क्या बनेगा इसका आंसर, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या लगाओगे? देखो हम सीधा सीधा लगाते हैं, ऐसी ऐसी कॉर्बिक एसिड जो है वो सी है। क्लोरोफिल का संबंध प्रकाश संश्लेषण से हो गया। फिर कैरिनिडाइट जो होता है वो सामक होता है,
यानी कि ये क्लोरोफिल ही होता है, और देन सुपर ऑक्साइड का संबंध एंजाइम्स थे। तो यहाँ मतलब 4 हो गया, फिर उसका मतलब 1 हो गया, फिर 2 हो गया, और फिर यहाँ पर 3 हो गया, यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया भी है तो आंसर दे दिया है कि भाई एस्कॉर्बिक एसिड संबंध विटामिन सी है, क्लोरोफिल का संबंध प्रकाश संश्लेषण आपका पिगमेंट है, और कैरिटोनाइड जो है एक सामक क्वेंचर है, और सुपरऑक्साइड ये आपका एंजाइम्स है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की घटक है? आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, या कोबाल्ट है? तो ये आपको अच्छी तरह बताइए कि भाई विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है। तो विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबाल्मिन है, इसके स्रोत मांस, मछली, अंडा, दूध इत्यादि, इसका काम वृद्धि है और लाल रूधिकाओं का निर्माण है, न्यूक्लिक अम्ल और संश्लेषण करना है, और इसकी कमी से रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है, और इसमें तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। इसका प्रमुख सूत्र क्या है? कोबाल्ट है। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण क्या है? ट्रिप्सिन है, ऑक्सीटोसिन है, केरेटिन है, या कैसिन है? ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? थोड़ा तेजी के साथ इसका आंसर लगाइए। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन का हार्मोन के रूप में जो प्रोटीन कौन सा काम करता है? तो हार्मोन के रूप में देखें सर, हमारे यहाँ के एक टीचर ने, अच्छा तो अभिषेक शर्मा कह रहे हैं बेटा बेटा मैं हाथ जोड़ के एक आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो बच्चे ये कहते हैं कि सर आपसे बेहतर कोई नहीं है, बेटा मैं कोई बेहतर नहीं हूँ, बस इतना जरूर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेटा आप लोगों के एग्जाम के लिए पूरी ईमानदारी के साथ मैं काम करता हूँ, और अगर आपके काम में बेटा ईमानदारी नहीं है तो आप किसी बच्चे को कामयाब नहीं कर सकते, ये मेरा फंडा रहता है। फंडे का मतलब मेरा, देखिए ज्ञान की तो कोई बेटा सीमा नहीं होती है, मैं कोई ज्ञान से ऊपर थोड़ी हूं, ज्ञान तो अपने आप में एक समुद्र होता है। हाँ इतना जरूर है कि भाई आप लोगों का सहयोग जरूर करता हूँ, और वो ईमानदारी के साथ करता हूँ, क्योंकि हम लोग अगर आपके प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है, और सिलेक्शन ले भी पाओगे तो उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, तो हमारी ईमानदारी ही आप लोगों का सिलेक्शन कराने में बहुत सहायक होती है। और मेरा शुरू से ये हमेशा एक फंडा रहा है कि बच्चे को कंटेंट हमेशा अच्छा दो, बढ़िया कंटेंट दो, ताकि बच्चे का सिलेक्शन हो सके, और बच्चे के प्रति हमेशा आप ईमानदार रहो। ओके, अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन, और मैं तुम्हें अब भी बता रहा हूं बेटा एक चीज, अब भी बता रहा हूं, ये क्वेश्चन सेट उठा के देख लेना, आने वाले टाइम में जो 2-3 महीने में एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ये जो मैंने जीएस विद डीके चौधरी सीरीज चलाई हुई है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, मैं आज भी तुमसे कह रहा हूं, ठीक है। तो अगर इन सीरीज का किसी ने फायदा उठा लिया तो उठा लिया, और नहीं फायदा उठा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो फिर आप आगे के लिए मेहनत करना, और क्या कर सकते हैं, आपको तो हम इतना ही समझा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन जो है इसका आंसर बनेगा। तो ऑक्सीटोसिन आंसर क्यों है? कि ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन संबंधी कार्य जो स्तनपान है, प्रसव काल में गर्भाशय, ग्रीवा और योनि फैलाव, मातृत्व गुणों का विकास इत्यादि है। भाई ऑक्सीटोसिन आपने देखा होगा कि जब ऑक्सीटोसिन कहाँ लगाया जाता है, इसके इंजेक्शन भी होते हैं, और जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं, वो हार्मोन है, न्यूक्लिक अम्ल है, फेरोमोन है, या स्टेरॉइड है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? थोड़ा तेजी के साथ लगाइए, इसका आंसर क्या बनेगा? तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो इसका आंसर जो लगेगा क्या है, इसका आंसर नहीं, ये फेरोमोन इसका आंसर बनेगा, फेरोमोन आंसर बनेगा। ये क्यों बनेगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए एक मूचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है, तो फेरोमोन है। फेरोमोन एक गंध युक्त वाष्पील वसी अम्ल है, जिसकी हवा में उड़ती गंध संविधा के कारण जाति के अन्य सदस्य प्रभावित होते हैं, और कुछ कीट बॉम्बिकॉल या जिप्लूर नामक फेरोमोन्स मुक्त करते हैं। ओके, खैर अब उसके बाद आ जाते हैं हम जनरल नॉलेज पर।
क्योंकि जीके टाइप भी आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मैं आपको बता दूं कि 11 बजे से हमारी ये क्लास तो फ्री में चली रही है, एक मैंने एक उड़ान सीरीज शुरू की है, आप सभी बच्चे सुन लीजिए कि मैंने एक उड़ान सीरीज शुरू की है पॉलिटी एमसीक्यू की। और ये पॉलिटी एमसीक्यू की जो उड़ान सीरीज है ये डेली मेरी 10 बजे होती है, और डेली कितने बजे होती है, 10 पीएम पर। इस उड़ान सीरीज की पॉलिटी एमसीक्यू की, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पॉलिटी एमसीक्यू तो आपने बहुत करा दी है, फिर इस सीरीज में खास बात क्या है? तो बेटा खास बात इसमें यह है कि पहली बात तो ये टॉपिक वाइज है, लेकिन आपने टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन किए, लेकिन फिर खास बात क्या है? दूसरी खास बात इसमें यह है कि इसमें चारों ग्रेड के क्वेश्चन है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। यानी कि कहने का मतलब है कि ये सीरीज एकमात्र ऐसी सीरीज है जिसमें हर तरह का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो सी और डी ग्रेड के क्वेश्चन कहाँ आते हैं, सी और डी ग्रेड के क्वेश्चन आपके एसएससी में, रेलवे में, पुलिस में, ठीक है, जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ सी और डी ग्रेड के क्वेश्चन बनते हैं। बात आती है बी और सी ग्रेड के क्वेश्चन, आपके स्टेट पीसीएस में, एनडीए में, सीडीएस में, इसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट में, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बी और सी ग्रेड के। और ए और बी ग्रेड के क्वेश्चन कहाँ पर है, आपका जो है जैसे आईएएस हो गया, आपका स्टेट पीसीएस हो गया, या नेट वगैरह हो गया, जीआरएफ वगैरह हो गया, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इस सीरीज में हर तरह का क्वेश्चन है और हर वर्ग के लिए ये सीरीज अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैं डेली अब जो लगभग 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 25 क्वेश्चन, और एक घंटे की क्लास होती है, विद एक्सप्लेनेशन है, विद पीडीएफ है इसका भी, और इसमें ए ग्रेड के 5 क्वेश्चन है, बी ग्रेड के 5 क्वेश्चन है, सी ग्रेड के 5 क्वेश्चन और डी ग्रेड के 10 क्वेश्चन है। तो ये एक नई बिल्कुल डिफरेंट तरीके की सीरीज है जिसमें मैंने हर बच्चे को लेने का प्रयास किया है ताकि इस सीरीज का हर तरह के बच्चे को फायदा मिल सके। और ये डेली सीरीज कहाँ होती है, रात को 10 बजे होती है। इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको बता दूं कि इसका लिंक जो मेरा पॉलिटी अड्डा फ्री क्लास जो टेलीग्राम चैनल है, पॉलिटी अड्डा जो पॉलिटी अड्डा जो फ्री क्लास के नाम से जो टेलीग्राम मेरा ये चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर ही आपको ये मिलेगा। लेकिन बात आती है कि सर इस नाम से कई टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, तो देन उसके लिए बेटा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, पॉलिटी अड्डा फ्री क्लासेस के नाम से मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, डायरेक्ट उसके थ्रू ही जुड़े, समझे कि नहीं समझे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब मेरा बेटा ये हुआ कि ये बैच भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, आप इसको फ्री देख सकते हैं। और रही बात, जैसे बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर पेड बैच, तो पेड बैच मैं आपको बता दूं बेटा 14 दिसंबर से कैरियर विल ऐप पर मेरा पेड बैच आ रहा है। जो भी बच्चे मेरा पेड बैच खरीदना चाहते हैं या अपने दोस्तों को दिलाना चाहते हैं या फिर आपके क्या है रिश्तेदार हैं या जो भी हैं, जो भी आपके संपर्क में है, तो देन 14 तारीख को तैयार रहिए। 2 दिन पहले उसका एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा, तो आप रजिस्ट्रेशन 2 दिन पहले यानी कि 12 तारीख से कर सकते हो, ठीक है। तो बता तो रहा हूँ बेटा 14 तारीख को आ रहा है मेरा नया बैच, जो न्यू बैच आ रहा है, पेड बैच जो है, न्यू बैच जो मेरा पेड बैच है वो आ रहा है 14 दिसंबर से। और दिखा देता हूं मैं आपको, बता देता हूं, रुको एक मिनट। रुक जाइए, क्या हो गया भाई क्या हो गया है, बैच के विषय में बता रहा हूँ, आप में से बहुत से बच्चे जो है मेरे बैच के विषय में जानना चाहते हैं, तो बैच के विषय में मैं बता देता हूँ अभी, तो ताकि आप लोग परेशान ना हो। और बेटा मेरा जो ये बैच आता है ना, ये बहुत बढ़िया बैच बनता है मेरा, और
ये हर वर्ग के बच्चे के लिए होता है, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, तो यहां पर मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, बैच के विषय में दिखा देता हूं कहाँ है भाई हमारा बैच। बैच कहाँ गायब हो गया हमारा? तो उसका दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अरे भाई कैसे है? बैच कैरियर विल ऐप पर आ रहा है, लाइव प्लस वीओडी बैच होगा, ये आप देख भी रहे होंगे, 14 दिसंबर को है। और पॉलिटी के सभी कंसेप्ट को इजी वे में समझे, 14 दिसंबर है। इसमें प्रीवियस एमसीक्यू है, क्लास नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, मीडियम हिंदी इंग्लिश है, और इसमें ऑल स्टेट पीसीएस वगैरह है जो भी है, नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी सीटीएस एसीएफ यूपीएसआई एसएससी वगैरह जो भी है। चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की आईएएस की, तो इसमें मैं शून्य से शिखर तक पढ़ाता हूँ और हर वर्ग का बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें पॉलिटी आती हो। तो ये बार बार मत पूछना सर मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, मैंने कि कहने का मतलब है ए से लेकर जेड तक जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, छोटा हो या बड़ा हो, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जिनमें पॉलिटी आती है, तो आप सभी जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 14 दिसंबर से आ रहा है और ये आएगा कैरियर विल ऐप पर, डाउनलोड आप उसको कर लीजिएगा। 999 रुपये का बैच है और इसकी फीस अगर 2 दिन पहले आप जब रजिस्ट्रेशन होगा तब एडमिशन ले से लेते हो 799 है, और देन इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हो। तो अभी से आप कह सकते हो, अपने दोस्तों वगैरह को बता सकते हो कि भाई सर का पेड बैच स्टार्ट होने वाला है। ओके, अरे भाई तुम पता नहीं कहाँ कौन से चला रहे हो। चलो खैर, अब हम शुरू कर लेते हैं। ये हमारे सामने नया क्वेश्चन है कि स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित है? तो संगीत है, चित्रकारी है, चलचित्र है या नृत्य है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो मैं बता दूं कि ये चित्रकारी से संबंधित है, स्वर्गीय राजा रवि जो है चित्रकारी से संबंधित है। और देन आपको मैं बता दूं कि ये महाभारत और रामायण के दृश्यों को जो है इन्होंने कैनवास पर उतारा है, तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये स्वर्गीय राजा रवि वर्मा जो है चित्रकारी के लिए फेमस रहे हैं। और इसमें आपको दिखा देते हैं कि भाई राजा रवि वर्मा त्रावणकोर वर्तमान में केरल है, उसके भारतीय चित्रकार थे। महाभारत व रामायण के दृश्यों को तुलिका के माध्यम से कैनवास पर उकेरने में उन्हें महारत हासिल थी। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकारी की जो पट चित्र शैली है, शायद मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो वो
किस राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? तो पटचित्र शैली कहाँ की है? राजस्थान की है, वेस्ट बंगाल की है, असम की है या उड़ीसा की है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बताना है, क्या आंसर बनेगा बेटा? इसका आंसर जो बनेगा अगर आप देखो तो इसका आंसर क्या बनाओगे? इसका आंसर उड़ीसा बनेगा। ये मैंने शायद पिछली क्लास में भी पूछा था कि चित्रकारी की जो पटचित्र शैली है उड़ीसा राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। उड़ीसा पटचित्र अधिकांशतः कपड़ों पर चित्रित किए जाते हैं और इन चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। तो यानी कि इसको हम पटचित्र शैली कहते हैं। वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? राजस्थान से, केरल से, मध्य प्रदेश से या महाराष्ट्र से? तो इसका आंसर क्या बनाओगे? क्या बना रहे हो बेटा इसका आंसर? तो जो वारली चित्रकला होती है वो कहाँ से हुई और वारली चित्रकला की खास बात क्या होती है, ये आपको बताना है। देखिए, महाराष्ट्र से शुरू हुई है और ये अपने आप में एक आदिवासी चित्रकला शैली होती है। ठीक है, एक भाई साहब है नेवर एवर बैक डाउन के नाम से, ये कह रहे हैं कि सर आपने तो यूपीएसआई की जो सीरीज है वो 2 तारीख तक सेल की, क्यों भाई क्यों ना करें? अगर मैं वही बात तो मैंने बताया कि मैंने अब से पहले यही बात तो कह रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि खराब होती है, सोच उनकी शून्य होती है, बस उन्हें ये लगता है कि टीचर तो प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। अरे भाई, ये जो क्लास तुम्हें फ्री में दे रहे हैं ये क्या प्रॉफिट के लिए है? और जो रात को 10 बजे चलती है, ठीक है, तरह तरह की आपको डेली क्लास जो फ्री में दी जाती है, क्या भाई उससे पैसा कमाया जाता है क्या आप लोगों से? फिर आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्री में नहीं पढ़ना चाहते, और मैं अगर इसी क्लास को पेड कर दूंगा तो इसमें अभी 500 बच्चे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा बेटा अपनी बुद्धि का शुद्धिकरण करिए। ठीक है, हमारा परिवार भी होता है, हमारी फैमिली भी होती है, हम बैलेंस बना के चलते हैं, बच्चों को फ्री में भी कंटेंट देते हैं और बच्चों से पैसे लेकर भी कंटेंट देते हैं। समझ में आ गया? तुम्हारी सरकारी नौकरी बेटा लग जाएगी तो क्या तुम फ्री में सरकार का काम करोगे? पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवा यानी कि पब्लिक सेवा का काम तो वो भी है, तो आप भैया फ्री में करना है इन कामों को, क्यों सरकार से पैसा लोगे? तो वो तुम्हारा अधिकार बन जाता है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पैदल होते हैं, दिमाग कहीं ना कहीं। अरे भाई टीचर एक चीज बताओ, अपनी फैमिली के लिए नहीं करेगा क्या? है? और फिर दूसरी बात, अगर तुम्हें कंटेंट दे रहे हैं तो कंटेंट में क्या मेहनत नहीं होती है, काम नहीं होता है? तो उसमें भाई टाइपिंग मैं ही करता हूं। नहीं, उकसाने के लिए तो बोला जाता है, और भाई मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है? भाई इस तरह के जो बच्चे होते हैं, मैं तो कह रहा हूं इस बात को, ये सामने आप मेरी वीडियो बाद में भी देख रहे होंगे बच्चे, तो इसमें गलत क्या है? क्या मैं कोई गलत, आप लोगों को गलत जवाब दे रहा हूं? उकसाने ना उकसाने वाली बात नहीं है बेटा, मैंने शुरुआत में ही ये बात आपसे कह दी थी कि भाई थोड़ा सा कुछ बच्चे वाकई दिमाग से पैदल होते हैं। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि सर मैं तो आपका पेड स्टूडेंट हूं, मैंने नहीं कहा, ये किसी यूट्यूबर ने कहा था व्हाट्स में। तो चलो खैर कोई बात नहीं, आपने नहीं कहा, किसी और ने कहा, लेकिन बट जिसने भी कहा मैं उसके लिए भी उसके लिए कह रहा हूं ये बात, जो भी इस तरह के बच्चे होते हैं। अब जब ही, तो कई बार तो यही कारण होता है कि जब इस तरह की चीज,
चलिए, खैर मेरी आवाज तो आ रही होगी। हम जीके के क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। तो वारली चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, क्योंकि ये आदिवासियों से संबंधित है। वारली चित्रकला की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से हुई और वारली चित्रकला महाराष्ट्र की आदिवासी एक शैली है। निम्नलिखित में से कलाकारों में से मिये डरिंग पोस्चर्स ऑफ मेमोरीज पुस्तक किसने लिखी? तो ये शोभना नारायण ने लिखी, सरोजना वैद्यनाथन ने लिखी, यामना कृष्णामूर्ति ने, या गीता चंद्रन ने लिखी? तो इसका आंसर बताने का प्रयास करो कि क्या इसका आंसर होगा। ये जो पुस्तक है, मैं आपको बता दूं, शोभना नारायण की पुस्तक है। तो इसमें आंसर तो यही बनेगा, तो ये शोभना नारायण की पुस्तक होगी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? काफी फेमस पुस्तक है, कई बार आ चुकी है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, APJ अब्दुल कलाम। इसका तो आंसर आप बता ही सकते हो, इसका आंसर क्या बनेगा? तो भारत एक खोज, जिसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं, वो आप अच्छी तरह जानते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और भारत एक खोज की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1944 में बीच अहमदनगर जेल में की गई थी। और पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विलक्षण भाषा में बयान किया था। इसके बाद देखें तो अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता है? वो द एब्स ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस है, हाफ यानी कि हाफ ए लाइफ है, ट्रूथ लव एंड लिटिल मॉलिस है, या राइजिंग सन है? तो एक बार इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया, द एलजेब्रा, इसको कहेंगे एलजेब्रा, द एलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। तो आंसर इसका ए बनेगा, द एलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस है इसका आंसर। तो उपयुक्त विकल्पों में से द एलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक की रचयिता अरुंधति राय है, जबकि हाफ ए लाइफ V.S. नायपाल जो है, हाफ ए लाइफ V.S. नायपाल ने लिखी, ट्रूथ लव एंड लिटिल मॉलिस खुशवंत सिंह ने लिखी, राइजिंग सन माइकल क्रिस्टन के द्वारा रचित की गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विक्स यानी कि ब्रिक्स है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? संघाई में, नई दिल्ली में, और ब्राजीलिया में, और मास्को में। इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर बताओ कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या लगाएंगे हम, जो ब्रिक्स का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। जो ब्रिक्स है तो इसका जो मुख्यालय है वो संघाई में है, तो इसका आंसर यही आएगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था, ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किए गए नए विकास बैंक का आधिकारिक नाम है, और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है, और प्रश्न में केवल ब्रिक्स का मुख्यालय पूछा गया है, तो जबकि ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय तो यहां पर देखा जाए तो इसका संघाई आंसर लगाएंगे, चीन ही इसका आंसर लगेगा। भारत सदस्य नहीं है G20 का, G8 का, सार्क का, या UN का? तो किसका भारत सदस्य देश नहीं है? तो भारत सदस्य देश नहीं है किसका नहीं होगा? तो भारत सदस्य देश G8 का सदस्य देश नहीं है और सबका है। तो उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से G8 का सदस्य नहीं है। G8 के सदस्य देश जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, UK है, रूस है, USA और कनाडा है। तो ध्यान रखिएगा, और आपको ये भी पता है कि भाई रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों द्वारा हस्ताक्षरित क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? स्वच्छ पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन से, किसी भी प्राकृतिक आपदा से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए साझा खाद्य भंडार निर्मित करना, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, या गहरे समुद्र से तेल और खनिज का अन्वेषण? तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे, तो इसका आंसर जो लगाएंगे, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ये स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से है, तो इसका आंसर यही लगेगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर हुई संयुक्त राष्ट्र के प्रारूप सम्मेलन का एक संलेख है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, जिसका उद्देश्य है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का घनत्व इसी मात्रा पर स्थित रखना है, जिससे कि मनुष्य की जलवायु प्रणाली में कोई हानिकारक रुकावट ना पड़े। इसके बाद देखें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, रोम में है, या जिनेवा में है? तो इसका आंसर हम क्या बनाएंगे, तो इसका आंसर क्या बनेगा,
इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर क्या बनेगा ये जल्दी से बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय जो ILO है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो वो पेरिस में है, वो न्यूयॉर्क में है, रोम में है या जेनेवा में, क्या आंसर लगा रहे हैं उसका? जेनेवा में। वेरी गुड, जेनेवा ही इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर डी बनेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देशों में 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1919 में ILO की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? ILO की स्थापना। खैर, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ, अभी रुको एक मिनट, ये जो DK लाइव क्लासेस ऐप है तो इसका मैंने यहाँ पर जो है कोड दिया हुआ है, बार कोड, यहाँ से इसको जो है सीधा सीधा डाउनलोड कर सकते हो। ऐसी पॉलिटी अड्डा फ्री क्लासेस का मेरा बार कोड है टेलीग्राम चैनल का, और पॉलिटी बाय DK चौधरी, जो कि जिसको आप जो है चैनल को देख रहे हो, तो ये बार कोड है। बार कोड के थ्रू भी आप मेरे इन ऐप को या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ये आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। खैर, कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि बेटा आज मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगा और कल भी हमारी क्लास होगी, तो कल फिर हम देखते हैं कि कल हमारी क्लास है तो एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है ना भी हो क्लास, ठीक है। अच्छा, हमारे मथुरा में सर 144 लागू कर दिया गया, क्यों बेटा, क्या कारण है उसके पीछे, लागू करने के पीछे? तो आज की क्लास बेटा यहीं पर ऑफ करते हैं, तो इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए खैर, ओके बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। और मैं आपको बता दूं कि आज जो IAS और PCS की बेटा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेंस की क्लास आज रात को 9 बजे है, तो वो सभी बच्चे उस क्लास को ज्वाइन करें जो IAS और PCS की मेंस परीक्षा देना चाहते हैं या मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनकी क्लास रात रात को 9 बजे होगी, ये टोटली बिल्कुल फ्री होगी। तो आप इस सभी इस क्लास को ज्वाइन करें जो रात को 9 बजे क्लास होनी है, ओके। ये वो बच्चे जो IAS और PCS की तैयारी कर रहे हैं और मेंस लिखना चाहते हैं या आगे मेंस लिखेंगे, उन सभी के लिए वो क्लास काफी फायदेमंद होगी, ओके। नमस्कार, जय हिंद।